एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसने शपथ खाई है कि वो हर एक शख्स को सम्मान की दृष्टि से देखेगा और सबको सम्मान देगा, पर यहाँ पर बात ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर एक और भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर दो एक गली के लिए आपस में लड़ना शुरू हो गए और कहीं ना कहीं वो ये भूल गए कि एक महिला सामने खड़ी है, एक महिला से अदब से बात की जाती है। पर ये कॉर्पोरेटर जनाब ऐसे जनाब हैं जिन्होंने ना ये देखा कि हम कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े हैं और आपस में लड़ाई शुरू। ज़रा ये विजुअल ध्यान से देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं। क्यों मेरा अधिकार है, मैं इस कुछ वार्ड ची आज तक कई सवाल निशान उठे हैं सिर्फ इनॉग्रेशन के चक्कर को कि एक वार्ड का शख्स अगर वो सामने आ रहा है जिसकी खुद की वार्ड है, ये कॉर्पोरेटर जो महिला कॉर्पोरेटर हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, ये इन्हीं के वार्ड में ही परेशानी थी जो सुलझाने के लिए दूसरे वार्ड के कॉर्पोरेटर जनाब भी पहुंच गए और ये कहते हैं कि वो मेरा एरिया है, वो मेरा कार्य है। अगर दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं और काम तो आम जनता का ही होना है, अगर आम जनता का कार्य करने दोनों ही पहुँच गए तो उसमें गलत क्या है? इसमें लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो एक रिप्रेजेंटेटिव को शोभा नहीं देते। सोचिए ये एक रिप्रेजेंटेटिव दूसरे रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये कर रहा है, तो ये बात सोचिए कि वो आम जनता के साथ जब वो अपनी बात रखने के लिए जाते होंगे उनके साथ क्या ही सलूक करते होंगे। ये कहीं ना कहीं वीडियो इसी बात को प्रमाणित ज़रूर करता है। भारतीय जनता पार्टी के क्या आपस में बनती नहीं है जो ये असल में वीडियो निकल के सामने आ रही है? कॉर्पोरेटर दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, जहां पर ये कहा जाता है महिलाओं को सम्मान दीजिए, जहां पर ये कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की कई अलग अलग नारे। और आज असल में उनके वहां पर क्या हो रहा है ये साफ इस दृश्य में साबित होता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।